अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको तो ये रेसिपी ये चीज़ देखकर चिकन देखकर तो पता चल गया होगा कि आज क्या बनने वाला है हमारे घर पे। तो मैं बताती हूँ, आज हमारे घर पे बनने वाला है सेजवान चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी। चलो इसमें क्या क्या करते हैं आपको बताते हैं। पहले हम लोग चावल की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमारा चावल देखो पक चुका है, मम्मी बोले कि आधा बाकी रख के चावल को उठा लेने का, ठीक है। वो बन गया चावल, अब मम्मी उसको थोड़ा सा बाकी है उसको रख देंगे। अब चिकन मैरिनेशन के पास जाएंगे। मम्मी आ गए नींबू लेके, भूल गए थे सॉरी। तो मम्मी अभी नींबू काट के, कितना नींबू डालोगे मम्मी तुम? देखती हूँ रस कितना आता है उसके हिसाब से ना। हाथ में लेके इसलिए डाल रहे क्योंकि उसका जो बीच रहेगा अपने हाथों में रहेगा, वो चिकन में नहीं होगा। इसलिए मम्मी इसको भी हाथ के समान बीच को निकाल लेंगे और रस उसमें डाल लेंगे। आधा डालूंगी मतलब एक पूरा ना? नहीं, डेढ़ थरो क्योंकि इसमें थोड़ा रस है। अच्छा चलो, नींबू डाल दिए। अभी चावल पक गया है, अभी छन्नी के उसमें से मम्मी थोड़ा थोड़ा करके उठा के डाल देंगे बड़े दूसरे वाले टोकरी में। देखो कितना मस्त की है। एक नीचे एक टोकरी लिए, टोकरी के नीचे तपेली डाले, तपेली के अंदर सब पानी चावल का सब उसमें चला जाएगा, है ना? आइडिया अच्छा है ना मम्मी का? सर कौन कौन ऐसा करता है ना कमेंट बॉक्स में बताना हम लोग को। ओके, अब मैं चम्मच भर के एक चम्मच डेढ़ चम्मच एक चम्मच भर के हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक 2 चम्मच। अभी इसको मैरिनेशन करके रख देती हूँ हाथ से ना। 1.5 किलो चिकन है ये। 1.5 किलो मतलब आधा किलो और 250 ग्राम 250 ग्राम मतलब ये अदरक अदरक लहसुन सब दे दिया। अब मैं उसमें एक एक करके ये मसाला उसमें जाएगा ग्रेवी में। हाँ, अभी एक एक करके मैं इसमें मसाला डालूंगी। 1 चम्मच आधा चम्मच जीरा पाउडर, उसके बाद मैं पकाने के लिए उसमें डालूंगी सब। ठीक है, उसके बाद धनिया पाउडर। उसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद हाफ चम्मच हल्दी पाउडर। चलो अभी मिक्स कर लेंगे ना, मसाला दे रही हूँ। अच्छा, क्या करोगे? 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो जो मैं घर में बनाई उसका। अच्छा, अब मैं सेजवान चटनी डालूंगी। 1, 2, 3, 4 4 टेबलस्पून। हाँ, तो ये मेरा घर होममेड है सेजवान चटनी भी। ऐसा तो नाम दिया है सेजवान टिक्का चिकन बिरयानी नाम दिया है। और अभी क्या करोगे? अभी मैं इसको तेजपत्ता 3-4 डाल देती हूँ और इसमें क्या साजिरा है 1-1 चम्मच वो डाल देती हूँ। कितना लौंग है? 5, 6 लौंग, 7 है, 6 ना, 6 लौंग है, 4 गोलमरीच है, 5 दो बड़े इलायची, छोटा इलायची, 2 दालचीनी और 1 चक्री फूल डाल दिए। तावज कर रहा है देखो। क्या करोगे? अभी मैंने ये चिकन के उसमें थोड़ा दही डाल देती हूँ। 3-4 मैंने दही को 250 ग्राम दही लाई थी उसको फाट के रख दी थी अच्छा से। जब दही डाल के सब मिक्स कर लेंगे चिकन में, 10 मिनट के लिए रख दूंगी। जिसको आधा घंटा रखना है रख सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जितना मिनट आपको रखना चाहोगे उतना रख सकते हो। अभी क्या करोगे? अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। बोलो वो सब डाल लेंगे। देखो क्या करोगे? अभी मैंने 3 टमाटर लिया उसको डाल देती हूँ। अभी क्या करोगे? अब मैं बरिस्ता डाल देती हूँ, थोड़ा बरिस्ता रखूँगी सजाने के लिए। ओके, रखी सजाने के लिए। ओके ठीक है। और ये आलू को तल के फ्राई करके रख देती, ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह,
मिलाने के बाद मसाला अब मम्मी इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को। अब मसाला भी तो असली मसाला बाकी है डालना, वो तो चिकन में डाले थे ना, हम ग्रेवी में डालना बाकी है। चलो अभी क्या क्या है मम्मी आपको बताते। एक चम्मच जीरा गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाह बोल के डाल देंगे सब। नमक डाल देती हूँ, मैंने पहले उसको मैरिनेशन करने के बाद चिकन में डाली थी, अभी थोड़ा ग्रेवी में डाल, बाद में देख लेंगे कम। हाँ ठीक है, कम होगा तो डाल लेंगे वापस। अभी ढाक दूंगी उसको, थोड़ा सा नीचे नमक डाली। नमक मिक्स करने के बाद ढाक दोगे ना। अरे जो हम लोग है ना बिरयानी में आलू का जान होता है, आलू नहीं है तो मतलब बिरयानी कुछ टेस्ट नहीं है, खाली खाली लगता है। हाँ अभी जो नहीं खाता नहीं खाता, बहुत लोग खाते हैं। अभी इसको अभी क्या करोगे, इसको ढक दूंगी थोड़ा सा, चम्मच धो लेती हूँ। ढक दोगे ना, अभी इसको ढक देती हूँ। कितना मिनट, 10-15 मिनट लगेगा, आलू आलू गलना चाहिए ना। और क्या करोगे देखती हूँ अभी क्या होगा। वाह तेल तेल ऊपर आ गया अम्मा, ये पूरा चिकन क्या बोल रहा है, देखिए चिकन बोल रहा है मैं ऊपर आ गया हूँ, मुझे चावल के अंदर डालो और जल्दी जल्दी से खा लो, यही बोल रहा है वो मिलके सब। मेरे को दूसरा चम्मच बदली करी। हाँ उसमें से मेरे को नहीं हो रहा, ये मजबूत है और एकदम टिकाऊ है, आवाज नहीं होती तो बहुत कटंग कटंग करके। मम्मी को कोई चीज की आवाज पसंद नहीं है। अभी देखो अभी तैयार हो गया, अभी इसको तवे पे कर लेगा लेयर लेयर। अभी मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी दूध में, ज्यादा नहीं। अभी क्या डालोगे, अभी रोज वाटर डालूंगी, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालूंगी, हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा मीठा अत्तर डालूंगी, एक दो तीन। क्या करोगे, अब मिक्स कर दूँ। क्या करोगे, अभी मैंने ये हरी में चावल पकाई थी ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, घी लगा दिए, अभी इसमें सब धोके चले जाएगी। आप अभी अभी एक चावल दूँगी, ऐसे नीचे भरूँगी, चावल बिछाऊँगी, मान रही उसके बाद तरकारी जाएगी, तरकारी के चम्मच में आएगा। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, ये आलू गुना मैंने पहले नीचे डाल दूंगी क्योंकि आलू थोड़ा गलने के है। ये भाप से आलू गलेगा ना बहुत टेस्टी होता है, मैंने उस दिन बिरयानी बनाई थी उसका झींगा का, और वो आलू भाप से पका इतनी टेस्टी, चिकन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं पहले आलू भी नीचे डालूंगी, निकालने का टाइम ऐसे निकाल के खा सकते आलू। नीचे नीचे वैसे भी तो भात जब चावल जाएगा तो सब आलू ऊपर आ ही जाएगा खाते खाते। देखो इसमें डाल दी, अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी डालूंगी। अभी क्या डालोगे, भात नीचे थोड़ा गिर गया, अभी मैं वापस चावल ना, एक कवक चावल डालूंगी वापस, एक लेयर राइस। हाँ एकदम अलग अलग हुआ, देखो हाथ से पसंद करती, मैंने हाथ से हाथ में क्वांटिटी मालूम भी पड़ता है, हाथ से क्वांटिटी मालूम पड़ता है और वो जल्दी गिरता भी नहीं है। अब क्या डालोगे, ये दूध जो भी केवड़ा चावल रोज वाटर और फूड कलर से अभी सब इसमें डाल देंगे एक करके, तो ऊपर से ये शेजवान चिकन क्या बोलते तुम, शेजवान चिकन टिक्का बिरयानी, इसलिए इसमें शेजवान चटनी जाएगा, शेजवान चटनी जा रहा। हर एक लेयर में मम्मी डालेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, जिसको जिसको ये खाया बताना कौन कौन खाया। हाँ कमेंट करना हमको। करोगे अभी जो बाकी है मैंने वो डाल दूंगी, थोड़ा भात से पोच भी लूंगी चावल से, मैं भाग बोलती हूँ अभी, और थोड़ा जो बरिश्ता है वो लगा दूंगी, सजा दूंगी। अभी घी डालेंगे, घी डालूंगी, मेरा घी गलेला नहीं है, उसमें जाके गल जाएगा।
थोड़ा तो बिरयानी तो थोड़ा तो तेल तल होना चाहिए ना। चलो अभी हो गया, अभी क्या डालोगे? अब मैं कोथमीर डालूंगी, लेकिन मेरा कोथमीर थोड़ा सा सूख गए। कल मैं कट के रखी थी ना। थोड़ा थोड़ा सजवन चटनी का अगर बिरयानी है जो कलर, तो सजवन चटनी नहीं पड़ेगा तो फिर क्या है? अभी कौन कौन खाया, सब बना के खाया मुझे बताना। अभी क्या करोगे? चलो अभी मैं दम पे देने जा रही हूँ। करोगे? अभी मैं इसको क्या करूँगी मालूम? मैं आटा वाला नहीं करूँ, मैं उसको पास जिसके पास ऐसा कपड़ा रहेगा ना उसको लेके और 10 से 20 मिनट तक दम पे दे देंगे। दम पे देने का तिल का नोड़ा भारी वाला। चलो देखती हूँ, अभी हो गया मेरा 20 मिनट। देखो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखे इसको निकालेंगे धीरे धीरे करके। देखो मस्त एकदम खिला खिला हुआ एकदम। देखो हमारा सेजवान चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी रेडी हो गया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत अच्छा है और जल्दी बन चुका है ये। अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जल्दी बना के खाइए। और किसने ये सेजवान टिक्का चिकन बिरयानी बनाया रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय, अल्लाह मालिक, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना और चलो बाय। वीडियो पे जाके जल्दी जाके बना के खाइए तो पता चलेगा सजवान जो मेरी लड़की बोली ना टिक्का बिरयानी। तो बाय, अल्लाह मालिक, खुदा हाफिज़। चलो अच्छा रहना, बहुत अच्छा रहना। वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, बाय।